परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। फिर आपने वीडियो देख लिया होगा जिसमें प्रधानमंत्री बता रहे कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है, मुझे परमात्मा ने भेजा है। तो भक्त भी इस बात को मान लेते हैं कि ये परमात्मा की तरफ से भेजा गया लोक प्रतिनिधि है। तो परमात्मा की तरफ से भेजे गए लोक प्रतिनिधि की आलोचना करना ठीक नहीं होगा। तो परमात्मा का प्रतिनिधि जो कुछ भी बोलता है, भक्त उस बात को सच मान लेते हैं और उस बात का थोड़ा सी भी क्रॉस वेरीफाई नहीं करते, थोड़ी सी भी सर्च नहीं करते क्या परमात्मा के भेजे गए लोक प्रतिनिधि ने जो बात कही है क्या वो बात सही है। तो फिलहाल चुनावी प्रचार के दौरान परमात्मा के भेजे गए लोक प्रतिनिधि ने बहुत सारी बातें कही है, हम कुछ बातों पर उस पर आगे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल अभी चुनावी प्रचार ख़त्म हो चुके हैं और परमात्मा की तरफ से भेजे गए लोक प्रतिनिधि इस वक्त गुफा में है और ध्यान लगा रहे हैं। गुफा के बाहर बड़े बड़े पत्थर है, कोई पत्थर आकर लुढ़क कर गुफा को बंद ना कर दे, इसलिए गुफा के बाहर बड़े बड़े सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं ताकि परमात्मा का लोक प्रतिनिधि गुफा में बंद ना हो जाए। अब हम बात करते हैं क्या ये इलेक्शन किन मुद्दों पर लड़ा गया। परमात्मा का लोक प्रतिनिधि पूरे देश में घूम घूम कर ये बताने की कोशिश कर रहा था और डराने की कोशिश कर रहा था क्या अगर से कांग्रेस सरकार आई तो आपका 5 किलो जो राशन है वो राशन बंद हो जाएगा। साथियों, ये राशन गरीबों का है, देश का है। अगर कांग्रेस सरकार आई तो आपके पास 2 भैंसे हैं तो आपकी 1 भैंस कांग्रेस सरकार लेकर चली जाएंगी। हमारे पास 2 भैंस वो है तो 1 भैंस कांग्रेस वाला कैसे सरकार माफी दो, 1 तुम्हारा छोकरा ना पाएंगे केम, तो हमारे 1 भैंस हमारी वोट बैंक में पहुंचे। आज कायदे सर लावा मैनिफेस्टो तो मत लगी जो बोलो। अब अजीब अजीब सी बातें, आपके 2 भैंसे हैं तो कांग्रेस 1 भैंस चुरा लेगी। तो इंडिया के अंदर लगभग 11 करोड़ भैंसे हैं, तो उसके बाद से भैंसों में भी परेशानी थी, भैंसे भी उलझन में थी, क्या 11 करोड़ भैंसों में से 5.5 करोड़ भैंसों को कांग्रेस कहाँ लेकर जाएंगी। तो परमात्मा के लोक प्रतिनिधि की बोली गई इस बात को भक्तों ने सच मान लिया और दबाकर वोट भी किया। अगर राहुल गांधी की सरकार आती है तो मुझे शक है कहीं ये भैंसे आंदोलन पे ना खड़ी हो जाए। भैंसों में भी मीटिंग शुरू हो चुकी होंगी, हो सकता है भैंसे 4 जून को रिजल्ट देखने के लिए तबेले में टीवी लगाने का डिमांड भी क्रिएट करें। परमात्मा के लोक प्रतिनिधि ने एक बात और कही थी क्या 5 किलो जो राशन है वो हमारी दी हुई योजना है और कांग्रेस आने के बाद ये 5 किलो फ्री राशन वाली योजना बंद कर दी जाएंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये परमात्मा के भेजे गए लोक प्रतिनिधि की योजना नहीं है। भक्तों को थोड़ा सा पीछे जाना होगा 2013 में, उसको रिसर्च करना होगा क्या ये योजना किसने लाई थी। परमात्मा के भेजे गए लोक प्रतिनिधि की बनाई हुई योजना नहीं है ये योजना। 2013 सितंबर के महीने में आई थी और इस योजना को मनमोहन सरकार ने संसद में पास कराया था। परमात्मा का लोक प्रतिनिधि पूरे इंडिया में घूम घूम कर डराने की कोशिश कर रहा था क्या अगर से कांग्रेस सरकार आई तो 5 किलो फ्री राशन की योजना बंद कर दी जाएंगी, जबकि ये 2013 में मनमोहन सरकार ने लाया था। और जब ये संसद में इस कानून को पास करने की बात आई थी 2013 में, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा विरोध परमात्मा के लोक प्रतिनिधि ने किया था और आज 2024 में उन्होंने पूरा इलेक्शन इसी पर डरा डरा कर लड़ा है क्या ये योजना बंद कर दी जाएगी, आपका फ्री राशन बंद हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, फ्री योजना बंद नहीं होगी क्योंकि ये जो है कांग्रेस के दौर में पास किया गया एक एक्ट है, कानून है, ये कोई स्कीम नहीं है। अगर कोई भी सरकार आती है तो कम पैसे में राशन जो मिलना है 2 रुपया 3 रुपया वो बंद नहीं होगा। अगर इस राशन को बंद करना है तो संसद में ही बंद किया जा सकता है। बाकी जो परमात्मा के लोक प्रतिनिधि है वो ये बता रहे थे कि ये कांग्रेस के आने के बाद बंद हो जाएगा, इस तरह से डराने की कोशिश भी कर रहे थे। तो खैर, भक्तों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान हासिल किया था
इसलिए वो इस बात को समझ नहीं सके कि ये राशन बंद होगा या नहीं बंद होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, 2-3 रुपये में मिलने वाला राशन कभी बंद नहीं होगा। ये बंद सिर्फ एक ही शर्त पे होगा, जब सांसद में पास कराया गया था तो सांसद से ही बंद होगा, कोई सरकार इसको बंद नहीं कर सकती। तो परमात्मा के लोक प्रतिनिधि ने ये बहुत डराने की बात की, लोगों को डराया और इसी बेसिस पर उन्होंने वोट मांगा है। फिलहाल परमात्मा के प्रतिनिधि इस वक्त चुनावी प्रचार ख़त्म करके किसी गुफा में ध्यान लगाने के लिए बैठ गए हैं। गुफा के बाहर बड़े बड़े पत्थर है, कोई पत्थर आएगा और गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और परमात्मा का लोक प्रतिनिधि अंदर कैद हो जाएगा। इस डर से बाहर बड़े बड़े सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए हैं। तो आप लोगों को जो मैं मैसेज देना चाहता था वो यही था, क्या फ्री राशन चाहे कांग्रेस सरकार आए चाहे बीजेपी की सरकार आए, ये राशन बंद नहीं होगा। अगर से फ्री बंद होता है तो 2-3 रुपये में मिलता रहेगा। अगर इस राशन को बंद करना है तो संसद में ही बंद किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, बाय।